की फिल्म से होगी करण अर्जुन 2 की स्टोरी इंस्पायर्ड? क्या मेकर्स कर सकते हैं कोई नए एलिमेंट्स को ऐड? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त सुशीन आपका स्वागत करती हूं आपके ही पसंदीदा चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज में। बॉलीवुड में ट्रेंड चेंज होने से अक्सर ऑडियंस की लाइक और डिसलाइक्स में चेंजेस आ जाते हैं। जैसा कि जब इंडिविजुअल रैप ट्रेंड में आया था तब फिल्मी सॉन्ग्स का चलन थोड़ा कम सा हो गया था, और अब आपने धीरे धीरे ये ऑब्जर्व किया होगा कि अब तो रैप भी फिल्मों में इंक्लूड होने लग गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अब बॉलीवुड में न्यू हीरोज का चलन थोड़ा ज़्यादा हो गया है पुराने हीरोज के मुकाबले, क्योंकि जो हमारी यंग जनरेशन ऑडियंस है उनको पुराने से ज़्यादा नए हीरोज में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, जिससे डायरेक्टर्स को ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है वो अपनी फिल्म में आखिर किसको कास्ट करें और किसको नहीं। एक तरफ हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार्स जैसे सलमान खान और शाहरुख खान, और दूसरी तरफ बॉलीवुड के न्यू जनरेशन के सुपरस्टार्स जैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा या फिर रणवीर सिंह। इनमें से अब कौन बनेगा मेकर्स की पहली पसंद? आपको भी लगा ना ये सवाल था? तो परेशान ना होइए, क्योंकि इसका जवाब दे दिया है करण अर्जुन 2 के मेकर्स ने, ये हिंट देकर कि वो फिल्म की स्टोरी लाइन को दो जनरेशंस के बीच में ही रखेंगे, जिसे ऑडियंस को भी अपना फेवरेट सुपरस्टार्स को देखने का मौका मिलेगा और फिल्म में पुराने सुपरस्टार्स की वैल्यू भी कम नहीं होगी। रही बात रिप्लेसमेंट्स की, तो अभी तक मेकर्स ने सीक्वल में किसी को भी रिप्लेस करने का प्लान नहीं किया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि ओरिजिनल के साथ वो एक नए मिक्सचर को भी ऐड ऑन करें फिल्म में, जिससे उनकी फिल्म को कोई नुकसान ना उठाना पड़े। मूवीज में जब नएपन की बात करी जाए तो आने वाले समय में मेकर्स फिल्म में VFX का इस्तेमाल भी करने वाले हैं, जिससे फिल्म की रीच न्यू ऑडियंस में और बढ़े और फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। सुनने में आ रहा है कि करण अर्जुन 2 में मेन डायरेक्टर भी ऐसा ही कुछ न्यू एलिमेंट ऐड करने वाले हैं, जिससे फिल्म की स्टोरी लाइन तो यही समझ आती है कि ये एक एक्शन सस्पेंस फिल्म बनने वाली है। और इसकी कास्टिंग बेसिकली इंस्पायर है रोहित शेट्टी की फिल्म दिलवाले से, जिसमें उन्होंने न्यू प्लस ओल्ड जनरेशन को बखूब कास्ट करके सारी प्रशंसा बटोरी थी। ठीक बिल्कुल वैसे ही करण अर्जुन 2 के भी मेकर्स ऐसे ही हीरो हीरोइंस के कॉम्बिनेशन के साथ फिल्म की स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। आपको क्या लगता है कौन होंगे इस फिल्म के वो नए दो चेहरे? क्या ये नए पुराने का रंग फिर चढ़ पाएगा जनता पे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स पे दें, और उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही कुछ बॉलीवुड के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।